हॉस्टल में दोस्तों अभी चेक इन करने गए थे, बट यहाँ इन्होंने बोला है कि 2 बजे ही चेक इन कर पाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि हमारा जो बड़ा ब्रीफ केस बैग था उन्होंने रख लिया है, छोटे वाला बैग हमने जमा नहीं करवाया क्योंकि इसमें हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अभी हम जा रहे हैं लोकल मार्केट में, एक तो हितेश भाई के लिए सिम लेनी है क्योंकि सिम बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और कुछ करेंसी एक्सचेंज करानी है। तो अभी हम करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए देखेंगे कुछ यहाँ पे है सिस्टम कि नहीं, अदरवाइज़ कोई बैंक से विड्रा करेंगे। तो जो भी है अभी हमारे लिए अभी ये बिल्कुल ही एक नया सिस्टम है क्योंकि यहाँ इंग्लिश लोगों को बहुत कम आती है, बहुत कम, मतलब 5% लगा के चलो आप। तो अभी ऐसे ही सर्वाइव करना है, बट जितना अभी देखा है जगह बढ़िया है, बाकी नाइट लाइफ यहाँ की फेमस है। तो नाइट लाइफ का हितेश जी वेट कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से वेट कर रहे हैं कि बूम 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 बोल रहे हैं, तो आज इनको लाइट लाइफ भी हम यहाँ की दिखाएंगे। दोस्तों अभी होटल में चेक इन तो नहीं मिला और काफ़ी भूख लग रही थी, अभी नए नए वियतनाम में आए हैं तो यहाँ के खाने की हैबिट भी नहीं है, पता भी नहीं है। आज हम आए हैं मैकडी में खाना खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए। तो इसमें हमने 2 बर्गर लिए हैं और 2 जहाँ की कॉफ़ी है, इसके हमें लगभग 58,000 डोंग पे करने पड़े, मतलब 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो इंडिया में भी अगर हम कोई बर्गर ले साथ में ठंडा वगैरह पिया इतना ही लगता है, तो प्राइस सेम है। हाँ भाई, हमने अभी इसलिए चूज़ करी है ऑप्शन कि हमें ये पता था कि भी यहाँ पे जो प्राइजेज है इंडिया के जो प्राइजेज है सेम मैकडोनल्ड्स के, यहाँ पे भी प्राइस आपको मिलेंगे, पर यहाँ पे जो इसके बर्गर हैं या प्राइस है वो अलग है। नहीं नहीं, सेम है, कॉफ़ी चेंज है, डिफरेंट कॉफ़ी है, बाकी बर्गर जो है सेम है। तो हमें ये था कि चलो एक बार, पहले भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हमने यही सोचा कि चलो कि यहाँ पे चल के एक मील ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ का पता है हमें कि हमें इंडिया में भी ट्राई किया है तो हमें पता है कि भी हाँ यहाँ पे कैसा मिलता है। तो हमें बस जब शाम को हम डिनर के लिए जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस होगी, वहाँ पर हम ट्राई करेंगे, और नाइट जो नाइट के जो एक पार्टी वगैरह होती है और काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होती है तो वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएगी मल्टीपल, तो हम वो भी आपको ट्राई करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए। तो अभी हम बर्गर ट्राई कर रहे हैं, बताते हैं कैसा टेस्ट है। दोस्तों ये है बर्गर जो हितेश भाई खा रहे हैं, और ये है कॉफी है, ये जो डिफरेंट टेस्ट है वियतनामी, यहाँ टेस्ट बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। दोस्तों मैकडोनल्ड के बाद अब यहाँ हम एक पिज्ज़ा शॉप में आए हैं क्योंकि मैकडोनल्ड का बर्गर खाने के बाद तो भूख हमारी शांत नहीं हुई, वही पिज़्ज़ा खाने आए हैं क्योंकि यहाँ पे बेड में ऑप्शन बड़ी कम है। देखते हैं कि पिज़्ज़ा के प्राइस वगैरह क्या है यहाँ पे। तो ये पिज़्ज़ा है यहाँ पे, ये कोई सैलड पिज़्ज़ा है और उसका प्राइस है 89,000 वियतनामी डोंग, लगभग 150 रुपया। तो फिर बाकी चिकन वगैरह है, तो वेज में यहाँ पे वैरायटी बहुत कम है, देख लीजिए चिकन वगैरह सब कुछ यहाँ पे है पर वेज में आपको वैरायटी बहुत कम मिलेगी यहाँ पे, ये देख लीजिए सारा ही चिकन में यहाँ पे। तो दोस्तों ये है वेज पिज्ज़ा जो कि हमें 1,19,000 का पड़ा है, लगभग 400 रुपये इंडिया के। तो अभी हमने 2 जगह खाना खाया है और हमें ये चीज़ पता लग गई है कि अगर हम रेस्टोरेंट्स में बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वहाँ जाएंगे तो हमें कॉस्टली पड़ेगा इंडिया से, अगर आपने सस्ता खाना खाना है तो आपको जो लोकल जहाँ लोग खाते हैं जहाँ लोकल दुकानें हैं वहाँ से खाना पड़ेगा। तो अभी ये हम लास्ट टाइम किसी ब्रांड में जा रहे हैं, इसके बाद हम लोकली जो लोग ट्राई कर रहे हैं वही ट्राई करेंगे। तो घूमने का मज़ा भी तभी है जब आप कुछ लोकल ट्राई करो, ये पिज़्ज़ा वगैरह हर जगह सेम मिलेगा तो फिर आने का वो फ़ायदा नहीं है। तो आगे से हम वही ट्राई करेंगे कि हम लोकल फूड ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कौन सा फूड बढ़िया है। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ, ये है मोबी फोन, यहाँ के एक टेली कंपनी कॉम कंपनी है,
हितेश भाई के सिम देने आए थे, हमें 1,70,000 की सिम पड़ रही है, तो इतने के आसपास एयरपोर्ट पे मिल रही है, तो आप एयरपोर्ट पे भी ले सकते होंगे, यहाँ आपको ढूंढनी मुश्किल होगी। यहाँ पे इंग्लिश आती नहीं है किसी को और वियतनामी आपको नहीं आती होगी, तो बैटरा के 50 रुपये ज़्यादा लगेंगे, तो आप एयरपोर्ट से ही लेके आइए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ आप मोबीफोन का ऑफिस गूगल पे डाल दीजिए, वहाँ आपको अपना पासपोर्ट देके इजीली सिम मिल जाएगी। इसके लिए आपको 1,70,000 डोंग देने पड़ेंगे और 30 दिन के लिए आपको हर रोज़ 6 GB डाटा मिलेगा, तो एक महीना आपका, अगर आप एक महीने के लिए भी आ रहे हो तब भी आपको ये बढ़िया रहेगा प्लान। और अगर दो बंदे आ रहे हो तो अलग अलग कंपनी की सिम लो, ताकि एक का नेटवर्क ना आए तो दूसरे का नेटवर्क आता रहे। एक ही कंपनी की सिम मत लेना, उससे क्या होगा, अगर किसी जगह किसी कंपनी का नेटवर्क कम है दोनों सिम बंद हो जाएंगी। एटलीस्ट हर जगह किसी ना किसी कंपनी का नेटवर्क अच्छा रहता है, तो दो कंपनी की सिम लेके चलिएगा, अपने लिए अलग और अपने दोस्त के लिए अलग। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रही है, इनका लूनर न्यू ईयर है, तो उसमें कुछ ये पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं घर पर, तो ये लोग यहाँ पे पेड़ पौधे जो है लेके आते हैं, गमले पूरे के पूरे ले आते हैं घर पे और लगाते हैं, कोई ट्रेडिशन है इनका। ये देखिए कितने अच्छे फूल हैं, ये सारे लोग यहाँ से बाय करके लेके आते हैं। कितनी वैरायटी है यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये सारे पेड़ पौधे बिकने के लिए यहाँ एक पूरी मार्केट लगी है फूलों की, पेड़ पौधों की। तो ये नया साल उनका लूनर ईयर है, इसमें ये घर पे लेके जा कहीं लगाते हैं, तो अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए कहाँ लगाते हैं। ये सारे पेड़ लोग ले जा रहे हैं यहाँ से, और हम जहाँ भी सिटी में जा रहे हैं वहाँ पर हर तरह के ऐसे पेड़ पौधे से बिक रहे हैं। हितेश जी, हाँ जी, हम जहाँ भी जा रहे हैं वैसे पेड़ पौधे से बिक रहे हैं, ऐसे क्रिसमस ट्री बिकते हैं। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ ये इनका न्यू ईयर आ रहा है लूनर। हाँ, 23 तारीख को इनका क्रिसमस है यहाँ पे, न्यू ईयर है 22 तारीख को, सॉरी हाँ, न्यू ईयर 22 तारीख को इनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन है यहाँ पे, तो वो उसी में ये पेड़ पौधे लगते हैं ना। हाँ, उसमें होगा, हम तो हैं ये हाँ, तो हम भी देखेंगे कैसा न्यू ईयर होता है इनका, क्योंकि हम बाय कोइंसिडेंस वियतनाम में ही हैं, हमने कुछ प्लान नहीं कर रखा था, बट वो बाय कोइंस मतलब वो एक हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस टाइम पे आ रहे हैं। देखिए कितने अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और ये पूरे के पूरे पेड़ ऐसे ही जड़ समेत लोग अपने घर ले जाते हैं लगाने के लिए, कुछ गुड लक वगैरह या कुछ इनका रीति रिवाज है ऐसा जिसको ये लोग फॉलो करते हैं। ये देखिए ये पूरी मार्केट बन रखी है फूलों की, पेड़ों की, जहाँ से लोग गाड़ियों में भर भर के, देखिए ये गाड़ी गई है भर के, ऐसे भर भर के बिकने के लिए, या लोग अपने घर के लिए लेके आ रहे हैं, तो ये लगभग बहुत बड़ी मार्केट है ये। ये देख लीजिए कितनी बड़ी मार्केट है, तो दोस्तों ये है हमारा रूम, एसी है, साइज रूम का छोटा है, एक डबल बेड मिला है, और ये कपबोर्ड वगैरह है, और सामने टीवी है, और साथ में ये देखिए हितेश भाई खड़े हैं, और इसके नीचे एक फ्रिज वगैरह भी है, और ये वॉशरूम है अंदर। तो ये है वॉशरूम, क्लीन है, शैम्पू दिया गया है, साथ में साबुन भी दिए गए हैं, तो मतलब पूरा 5 स्टार की तरह इन्होंने सामान दिया है हमें, और इसका जो प्राइस है वो भी बिल्कुल जायज़ है। देखिए इतना बड़ा रूम है, उसका प्राइस लगभग 700 रुपये पर डे के हिसाब से है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया डील है ये। दोस्तों 2-3 घंटे रूम में रुकने के बाद दोबारा से फ्रेश होके अब हम नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी हैपनिंग होती है, देखते हैं।
हैं, कैसी नाइट लाइफ है यहाँ की, और कुछ शॉपिंग वगैरह भी आज करेंगे। अभी हम यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल वगैरह या कोई जो मार्केट जो भी है वहाँ विज़िट करेंगे। उसके बाद 7-8-9 बजे के बाद नाइट लाइफ शुरू होती है, तो फिर नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों ये कोई मार्केट सी है यहाँ पे, यहाँ वैसे हुप ऑफ बस भी चलती है, वो भी आप लेके घूम सकते हो। हम परसों इसको ट्राई करेंगे, ये बस 250 पर लेती है और आपको 1-2 घंटे घुमा देती है छत पे। देखिए बड़ी अच्छी हैपनिंग सी है यहाँ पे, अभी क्राउड कम है, जैसे जैसे नाइट बढ़ती जाएगी यहाँ पे क्राउड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली नाइट में रहता है जो भी है। दोस्तों ये मार्केट कुछ टका नाम से कुछ मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रही है, इनका न्यू ईयर आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है यहाँ पे। यहाँ पे आप कई तरह का सामान वगैरह ले सकते हैं और फुली एसी मार्केट है। अभी हम भी देखेंगे क्या क्या सामान यहाँ पे है। तो ये सारा यहाँ पे कपड़ों का सेक्शन है, जैसे 150 लिखा है तो 150K मतलब 1,50,000 वियतनामी डोंग, और यहाँ पे आप बार्गनिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बेल्ट्स वगैरह सारा सामान मिल जाएगा, तो काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, और काफ़ी काउंटर्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं, कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक, और इस तरफ रेस्टोरेंट्स भी है बच्चों के लिए, क्योंकि न्यू ईयर इनका चल रहा है, तो ये सारा काफ़ी अच्छा हैपनिंग हो रखा है। और शाम को यहाँ पे बड़ी क्राउड होगी, ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी सिटिंग का अरेंजमेंट कर रखा है, शाम को ये सारा यहाँ पे बड़ा हैपनिंग होगा। और अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ भी कपड़ों वगैरह की दुकान है, यहाँ पे कपड़े वगैरह बार्गनिंग की जा सकती है। दोस्तों बहुत बड़ी मार्केट है ये, यहाँ आपको सारा सामान एक छत के नीचे मिल जाएगा, ब्रांडेड भी अनब्रांडेड भी। दोस्तों ये थी सेंट्रल मार्केट ऑफ हो ची मिन सिटी, तो ये हो ची मिन सिटी की सेंट्रल मार्केट जो अभी हमें आपको दिखाई थी, काफ़ी बड़ी मार्केट है, और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग यहाँ पे हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोकल लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और शाम को इस आप इस मार्केट को ज़रूर विज़िट कीजिए, और बिल्कुल ये जैसे आप देख पा रहे हैं सारे होटल ये डिस्ट्रिक्ट वन है, तो मोस्टली होटल वगैरह डिस्ट्रिक्ट वन में होते हैं, और जितने भी टूरिस्ट हैं वो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट वन में रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी भी अच्छी है, और जितने भी यहाँ पे क्लब वगैरह हैं तो यहीं पे हैं, तो आप भी डिस्ट्रिक्ट वन में रुकिएगा, और यहाँ सारे वॉकिंग वगैरह में ये मार्केट वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो अभी हम खड़े हैं एक चौक सा है, और मेरे पीछे आप देखिए जैसे जैसे रात होती जा रही है सिटी और कलरफुल होती जा रही है, लाइट्स वगैरह जग रही है चारों तरफ, और लोग घरों से टूरिस्ट होटलों से बाहर निकल रहे हैं, जिनको यहाँ पे कम लोग होते हैं, बट अभी देखिए पूरा चौक सा ये हैपनिंग, चारों तरफ एड्स वगैरह लगी हुई हैं, मुझे लग रहा है रात को यहाँ पे बहुत तकड़ी हैपनिंग। ये देखिए बोर्ड लगे हुए हैं, इनका जो न्यू ईयर है उसके रिगार्डिंग बोर्ड भी लगे हुए हैं यहाँ पर।